उत्तराखंड अपनी अनोखी लोक परंपराओं और विरासतों के लिए विश्वभर में विख्यात है। इसी क्रम में जनपद चमोली के दीवाल ब्लॉक मिनी मसूरी के नाम से प्रसिद्ध लोजंग में 5 दिवसीय स्वर्गीय शेर सिंह दानो सांस्कृतिक औद्योगिक पर्यटन एवं विकास मेले का रंगारंग शुभारंभ हो गया है। मेले का शुभारंभ लोहाजंग चौराहा स्थित माँ भगवती की पूजा के बाद रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मान सिंह बिष्ट व विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पत्रकार अर्जुन सिंह बिष्ट ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर स्वर्गीय शेर सिंह दानो के पुत्र धर्म सिंह दानो, वीरेंद्र सिंह दानो व एडवोकेट प्रेम सिंह दानो ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर मेला स्थल का विधिवत शुभारम्भ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मेला कमेटी के अध्यक्ष इंद्र सिंह राणा ने कहा कि स्वर्गीय शेर सिंह दानो की दूरदृष्टिता से प्रेरणा लेकर इस मेले का आयोजन संभव हो पाया है। लगातार आप मेले में इस मेले में आते रहे हैं, ये 8वीं बार मेला है। जी हाँ। इस तरह के मेले से आप कितना महसूस करते हैं? एक नाम जो हमारा इस क्षेत्र का बहुत विकास पुरुष, उनको उनकी झलक हमको देखने पड़े, उनके प्रेरणा लेने पड़े, उसको किस रूप में आप देखते हैं? मैं बहुत बढ़िया प्रश्न किया। मैं पहले ये समझता था यार मेले ठेलों से कुछ नहीं होता है और ये क्या होगा। अब मैं जब आते गया तो देखा जो मैं कितना नकारात्मक था, आज जब आता हूँ तो लोग इतने जुड़ रहे हैं। अर्जुन सिंह बिष्ट जी हैं, हर विभाग के जो प्रतिष्ठित लोग हैं आ रहे हैं और हम जब चिंतन कर रहे हैं कि आज ये विकास का ये आलम है कि एक सरकार नहीं, ये किसी सरकार के खिलाफ नहीं कहा जा सकता है। जब तक हम लोग चिंतन नहीं करेंगे, सरकार को क्या पता हमारी समस्या क्या है, हमको खुद पता नहीं। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिनका पूरी कमेटी और यहाँ के लोग उनको सदा सदैव याद रखेंगे, और उन्होंने खुद कहा कि विधायक साहब के घर रोड नहीं जा रही, और जो रोड कहने का तात्पर्य है कि रोड मेन चीज होती, विकास की बुनियाद रीढ़ की हड्डी होती है। तो ये सब हो रहा है, और जो बार बार कमेटी कहती थी, एक चीज से मैं बड़ा उनसे होता था कि जब देहरादून जाते हैं बड़े बड़े वीआईपीज हैं, उन्हीं के बाद टाइम नहीं होता, उनको 10 फंक्शन में जाना होता है। जब वो हमारे यहाँ आएंगे तो सिर्फ उनको पता है कि आज जो है, और हमको भी पता है कि हमारी मांगे 15 मिनट में 50 एप्लीकेशन हमारी जो है साइन होती है। और आप देखिए बहुदेशी सरकार जो है, बहुदेशी कार्यक्रम शायद जो है वो 25 को होने जा रहा है। तो ये कुल मिला के इससे हमें विकास के लिए, क्षेत्र की पहचान के लिए बहुत कम समय में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। वहीं विशिष्ट अतिथि अर्जुन सिंह बिष्ट ने कहा स्वर्गीय दानो ने इस क्षेत्र के लिए अनेकों विकास कार्य किए हैं, जिसमें पैदल रास्तों के जाल व पुल शामिल हैं। उनके नेक कार्यों को देखते हुए राजकीय महाविद्यालय का नाम अब स्वर्गीय शेर सिंह दानो राजकीय महाविद्यालय हो गया है, जो हमारे संपूर्ण क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। रहे हैं इस क्षेत्र के, उनके नाम से उनकी स्मृति में जो मेला आयोजित हो रहा है, हम इसी मेले के प्रांगण में इस खूबसूरत स्थल पर हैं। हमारे साथ बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार राष्ट्रीय सहारा श्री अर्जुन बिष्ट जी। हम जानेंगे इस मेले की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और दानू जी के बारे में अर्जुन बिष्ट जी से। धन्यवाद भंडारी जी। शेर सिंह दानो जी का ये मेला, जैसे कि आपने खुद ही बताया, पिछले 8 वर्षों से लगातार हर वर्ष आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहले मैं इसके लिए पूरे मेला समिति को साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने दानो जी को की यादों को अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। निश्चित रूप से हमारी आने वाली पीढ़ी भी दानो जी के बारे में जान सकेगी। और चूंकि दानो जी को आज इस दुनिया को छोड़े हुए लगभग 35 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, और ऐसे में नई पीढ़ी उनके बारे में जाने, यह इसके लिए यह मेला सबसे बहुत अच्छा माध्यम है। मैं दानो जी के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आज से 55 साल पहले, अब आप इस पूरे क्षेत्र को देख रहे होंगे, पीछे क्षेत्र है, इस दूरा क्षेत्र का रहने वाला एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायक बनकर पहुंच जाता है, तो निश्चित है कि उनके अंदर कुछ ऐसे विशिष्ट गुण होंगे जिसके लिए इतने दूरा क्षेत्र से पहुंचे। 55 साल पहले इस क्षेत्र में क्या सुविधाएं रही होंगी, क्या इस क्षेत्र के हालात रहे होंगे, विकास से क्षेत्र पूरा वंचित रहा होगा, तो निश्चित रूप से दानो जी के मन में वो पीड़ा थी। और विधायक बनने के बाद उन्हें उसके बाद जो सार्वजनिक जीवन में बाद में अग्रवाल मंडल के चेयरमैन भी बने, तो
उन्होंने इस क्षेत्र के लिए जो भी संभव हुआ उस दौर में बहुत सारे विकास कार्य किए और यह पूरा क्षेत्र का आज ऋणी रहेगा। और हम चाहते हैं कि दानू जी के, मुझे भी मेरा परम सौभाग्य रहा है कि वो दानू जी को बहुत करीब से मैंने देखा है, कई साल उनके साथ गुजारे हैं, बहुत बार वो हमारे घरों में भी आते थे, तो उनके साथ की कुछ यादें हमारी भी ऐसी जुड़ी हुई हैं कि हम तो उन्हें याद करते थे, लेकिन आज इस मेले के माध्यम से नई पीढ़ी के तमाम वो बच्चे भी उनके बारे में जान सकेंगे जिनको अपने क्षेत्र के ऐसे युग पुरुषों के बारे में जानना चाहिए। और दानू जी को निश्चित रूप से हमारे आने वाली पीढ़ी जब इस तरह याद करती रहेगी तो इस मेले के माध्यम से न केवल हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचा सकेंगे बल्कि इस पूरे क्षेत्र में एक बड़े इस मेले को बड़ा आकार दे करके इसको विकास मेला जिस तरह इसका नाम रखा गया है, इस क्षेत्र का विकास में यह मेला बहुत बड़ा कारण बनेगा, ऐसी मेरी मतलब उम्मीद है। विगत वर्षों में मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुँचे हैं, आने वाले वर्षों में भी इसको हम बड़ा आकार दे पाएंगे। यह मेला न केवल शेर सिंह दानू जी को याद करने के लिए होगा बल्कि इस समूचे पिछड़े क्षेत्र को आगे लाने के लिए भी बहुत बड़ा कारण बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। पीजी और शेर सिंह तो स्वर्गीय शेर सिंह दानू जी किस क्षेत्र के रहने वाले थे और कैसे वो आगे पहुंचे, जरा इसके बारे में भी आप बताएं। दानू जी का मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, सामने एक सड़क भी दिखाई दे रही होगी, इसी के पीछे की तरफ एक गांव है पिनाऊ। उस जमाने में तो जब वो रहे होंगे तो घेस नाम से गाँव, आज वहाँ चार ग्राम सभाएं लग चुकी है। तो पिनाऊ गाँव के वो रहने वाले थे, उनके पिताजी भारतीय सेना में सूबेदार मेजर के पद पर थे और उन्होंने सेना में रहते हुए बाद में आजाद हिंद फौज को ज्वाइन कर लिया था और वो सुभाष चंद्र बोस के बहुत अनन्य सहयोगी, बहुत निकटतम लोगों में से एक थे और उनकी अंगरक्षक बटालियन के वो कमांडर होते थे। तो उसके बाद उन्होंने दानू जी को देहरादून के कर्नल ब्राउन स्कूल से पढ़ाया, उसके बाद जहरी खाल इंटर कॉलेज से इंटर करवाया और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए दानू जी को उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में भेजा, जहां दानू जी ने मास्टर डिग्री के साथ साथ वकालत भी की। वकालत करने के बाद उन्होंने उत्तराखंड के प्रख्यात अधिवक्ता शोभन सिंह जीना जी के सानिध्य में कुछ वर्ष तक मतलब वकालत का कार्य भी किया। बड़ी बात में एक ये कहना चाहता हूँ कि शेर सिंह दानू जी विधायक रहे, उसके बाद गढ़वाल मंडल विकास निगम के चेयरमैन, कैबिनेट स्तर के राज्य मंत्री रहे, लेकिन दानू जी को इस क्षेत्र में जो पुराने लोग जानते हैं आज भी वकील साहब के नाम से उनको जानते हैं और बहुत उनका योगदान इस पूरे क्षेत्र के लिए रहा है। और दानू जी जैसे महान विभूतियां बार बार जन्म नहीं लेती, मैं आपके माध्यम से उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के पुत्र अमित गोस्वामी ने कैलबाजी मुरली गीत गाकर दर्शकों को उनकी याद दिलाई। वहीं महिला मंगल दलों ने नंदा देवी से संबंधित जागरों का प्रदर्शन कर भक्तिमय माहौल बनाया। मेले में कृषि उद्यान, जिला सैनिक कल्याण, ग्रामीण विकास, जिला विधिक सेवा, पशुपालन, बाल विकास एवं स्थानीय स्वयं सहायता समूह ने स्टॉल भी लगाए। इस दौरान स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किए। 5 दिवसीय मेला आगामी 27 नवम्बर तक आयोजित किया जाएगा। धन सिंह भंडारी, हिमंत प्रदेश न्यूज, लोहाजंग, दीवाल, चमोली।